हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ते, जिसका नाम है रीत व्लॉग। सो मैं जो है अभी घर पे आ चुकी हूँ, चाय भी ऑलरेडी एक्चुअली मैं पी चुकी हूँ। मैंने उस वक्त कोई शूट नहीं किया था, सो अभी मुझे जो है ना बाहर जाना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे ना वो लेके आने हैं यार। अब आजकल पता क्या हो रहा है, गर्मियों में ना दोपहर में, ओहो फोन चला था, गर्मियों में दोपहर में हवा बहुत चलती है बाहर। सो मैं कई बार रात को जो कपड़े वॉश करके जाती हूँ ना, तो वो बाहर मेरे अभी सूख ही रहे होते हैं, क्योंकि मैं आके उतारती हूँ उनको। सो इस वजह से मुझे ना वो क्लिप्स चाहिए थे, कपड़ों वाले थे मेरे पास, बट वो गर्मी में प्लास्टिक के थे ना पहले से यहीं पे जो घर में ऑलरेडी पड़े थे, तो वो सूख जाते हैं प्लास्टिक गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, तो वो टूटने लग गए हैं, मतलब ख़राब हो गए हैं। सो मैं सोच रही हूँ वो ले आऊँ, क्योंकि मुझे जो है अभी कपड़े जो है थोड़े वॉश भी करने थे और। सो आई थॉट कि मैं वो ले आती हूँ, प्लस आगे भी काम आने हैं। बड़ी देर से सोच रही थी, भूल ही जाती हूँ लेके आना। सो नाउ आई एम गोइंग आउट, पहले वो काम करके आती हूँ, फिर घर पे आके बाकी का काम करते हैं, जैसे कि सफाई। खाना बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल मम्मा मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दे गए थे, अभी तक हमारी ख़त्म नहीं हुई है। मम्मा बहुत सारे करेले बना कर लेके आए थे, भर के बनाते हैं ना जो करेले, एंड मैं आज अपने क्लिनिक लेके गई थी, एंड एवरीबडी लव्ड इट। मतलब मैंने खिलाए जिनके जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, एंड सबको, मतलब एवरी वन वॉज लाइक कि ऐसे करेले हमने खाए ही नहीं है। सो मम्मा, ये आपकी अप्रिसिएशन हुई आज, ठीक है। करेले लाए थे, भरता भी लेकर आए थे बैंगन का, जो कि मैं अभी खाऊंगी, और मम्मा लेकर आए थे घी, देसी घी लेके आए थे कि मम्मा, ठीक है, जो कि अभी हमने यूज़ नहीं किया, बट अब मैं सोच रही हूँ भरते में डाल के देसी घी खाएंगे। मैंगो लेके आए थे, जिसका हमने मैंगो शेक बनाया रात, अभी फिर बनाएंगे, क्योंकि अभी गर्मियों में मैंगो शेक के मज़े उठाएंगे हम। बट फिलहाल पहले चलते हैं बाहर, तब तक ये चाय भी थोड़ी डाइजेस्ट हो जाए, फिर आके करते हैं बाकी का काम। मुझे आके आज सिर्फ रोटियां ही बनानी है और सफाई करनी है, सब्जी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। सो मैं सोच रही हूँ आज कुछ और किया जाए, जो कि मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी मैं प्लान्स यहाँ पे बता देती हूँ ना, वो मेरे होते ही नहीं है। पता नहीं क्या है, नज़र लग जाती है बोलते हैं, है ना, पता नहीं होता है या नहीं होता, आप लोग बताना यार, पर मेरे तो होते ही नहीं है काम, ठीक है। मैं बताऊँगी नहीं, बस अब हम करेंगे ही, सो लेट्स सी, बट अभी फिलहाल लेट्स गो आउटसाइड। लॉक लग गया, अभी लेट्स गो। आपकी कौन सी सीक्रेट जगह है चाबी रख के जाने की, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। डोंट वरी, मैं आपके घर पे नहीं आऊंगी चोरी करने के लिए, मेरी जो है मैं नहीं बताऊंगी, बट फिलहाल मैं साथ पे लेके जा रही हूँ, क्या पता आप लोग आ ही जाओ ना, सो फॉर दैट रीजन मैं साथ पे ही लेके जा रही हूँ। ये लो जी, फाइनली पहुँच गए घर पे, ये मैं चीज़ों की वजह से कई बार ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दोबारा दोबारा बाहर जाना पड़ता है। ओके फाइनली, सो फाइनली अब जाके फ्री हुई हूँ। बीच में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, कपड़े धोने थे, सफाई करनी थी, एंड अब जाके जो है खाना खाने लगी हूँ। ये देखो करेले कैसे रखे मैंने, एक्चुअली देसी स्टाइल में खा रही हूँ ना, गर्म करके लाई हूँ, एंड अभी खाऊंगी रोटी विद मैंगो। मैंगो मैंने काट के ना फ्रिज में रख दिया, बर्फ़ वाले फ्रीज़र में रख दिया, सो दैट चिल्ड हो जाए, फिर उनको इन्जॉय करेंगे। एंड अभी देखने लगे हैं साथ में कुछ ना कुछ, मे बी तारक मेहता देखते हैं, एंड देन आई विल टेक सम रेस्ट, थोड़ा बहुत यूट्यूब देखूंगी एंड फिर सो जाऊंगी। बट अगर कुछ इसके अलावा कंटिन्यू होगा तो आज का, वरना कल हम ये ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट गाइज। हाँ जी गाइज, सो कहाँ हैं हम लोग, वॉक करने आए हैं बाहर, और साथ में सोच रही हूँ मैं कि आइसक्रीम खा ली जाए, एंड यहाँ पे अंधेरा बहुत है क्योंकि रात हो गई है ना अभी। एक्चुअली हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना है घर पे जाके, एंड आज बने हैं आपके फेवरेट ना, क्या, दाल चावल, चनों की दाल और चावल इनके फेवरेट हैं, सो हमने सोचा कि आज वो ही खाएंगे नींबू डाल के मस्त से, एंड उसके बाद पियेंगे मैंगो शेक, राइट, हमारी नाइट आज की सॉर्टेड है। उससे पहले आइसक्रीम, उल्टा काम हो रहा है, पर क्या करूं, अभी मन कर रहा है खाने का, सो लेट्स गो एंड बाय सम आइसक्रीम। आप नहीं खा रहे, ओके फाइन, वो रहे आइसक्रीम वाले भैया। भैया ऑरेंज वाली, ऑरेंज बार दे दो, एक ही चाहिए, बढ़िया।
खोल के ही दे रहे हो। ओके थैंक यू, 20 की है ना, थैंक यू सो मच। भैया को पता था मेरे हाथ में मोबाइल है, उन्होंने मुझे ओपन करके ही दे दी। एक्चुअली मेरी ना ये मेरा फेवरेट है, जितनी मर्जी दुनिया की महंगी महंगी आइसक्रीम्स खिला दो मुझे, और मुझे ये पहले ये 5 की आती थी, 5 से फिर 10 की हुई, अब 20 की हो गई है, बट स्टिल ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है ऑरेंज बार। और मुझे इतनी ज़्यादा कोई पसंद नहीं आती, बट दिस वन ये मैं कंटिन्यूएशन में ना 2-3 खा सकती हूँ, ज़्यादा भी खा लूँ पर गला ख़राब हो जाएगा, पर 2-3 मैं खा सकती हूँ आराम से। हाँ जी गाइस, सो दिस इज़ नेक्स्ट डे, एंड अभी आज जो है ना चंडीगढ़ में बहुत बारिश हुई है, रिकॉर्ड नहीं की मैंने, मेरे पास टाइम नहीं था, सुबह भी मैं जल्दी जल्दी में गई हूँ एंड बारिश में ही लिटरली गई हूँ, मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सी हो रही थी, फिर उसके बाद तेज़ हो गई, फिर इवनिंग में हुई, जब मैं आई हूँ तब भी हल्की बहुत बारिश हो रही थी, एंड अभी दैट इज़ वाई हम बना रहे हैं चाय। बहुत मन कर रहा था, बहुत देर हो गई रात को, हम अब चाय पीते नहीं थे, बट आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, हम लोग बालकनी में खड़े होकर चाय पीना चाहते हैं। एंड साथ में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरा नाइट सूट न्यू, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, सो मैं मिस्टर सिंह को बोलती हूँ कि एक बार ये रिकॉर्ड करें, मेरा नाइट सूट दिखा दें, जो कि मैंने नया नया पहना है, क्यों आपको दिखाना तो बनता है ना। सो गाइस, मॉडलिंग इन नाइट सूट देखी है कभी आपने, कैसा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कपड़ा भी बहुत अच्छा है, एंड अगर मैं प्राइस बताऊंगी ना तो आप लोग शॉक हो जाओगे, ये अराउंड 400-500 की रेंज में था, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा, वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है, बट इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड प्लस इसमें पॉकेट भी हैं, इस साइड भी है और इस साइड भी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, इधर आ जाओ, यहीं पर आपको दिखा देते हैं, That is this purse, जो कि मैं आजकल ऑफिस में कैरी भी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जो प्रिंट है ना, वो मुझे एक्चुअली में एनिमल प्रिंट्स बहुत फैसिनेट करते हैं, मुझे पसंद आते हैं, सो दैट इज वाई मैंने ये ऑर्डर किया था। एंड इसकी एक खास बात ये है कि इसके साथ मुझे जो है ना, 1 मिनट कहाँ गया, वॉलेट भी कॉम्बो में मिला है, मतलब इसके साथ ही था, मैचिंग वॉलेट है, इसके अंदर मैंने अभी कुछ नहीं रखा हुआ फिलहाल, ये मैंने बस ऐसे ही डाला हुआ, क्योंकि मेरे पास जो अपना वॉलेट है ना वो मेरा फेवरेट है, मैं इसको खोना नहीं चाहती, मैंने 2-2 वॉलेट रखे हैं, पैसे दोनों में से किसी में भी नहीं है बाय द वे गाइस, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन यूज करते हैं, ठीक है, नो कैश। एंड ये पर्स भी आप लोग अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसका भी, डू चेक इट आउट। एंड एक दो चीजें और हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं लेके आती हूँ, फिर आई शेयर। ओके, जो बाकी की चीजें हैं वो हैं ये पिद्दू पिद्दू से लिपस्टिक्स, एक्चुअली इसके बारे में मेरे साथ धोखा हो गया यार, मैंने मतलब थोड़ा बड़ी सोच के मंगाई थी, बट चलो खैर कलर अच्छा है, शुगर की लिपस्टिक है ये, एंड टाइनी निकली, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ना 1.1 ग्राम्स की थी, एंड ये इसका कलर इस तरह का है कुछ, इसका कलर का नाम पता क्या है, रस्ट लस्ट, सो कुछ रस्टी रस्टी सा शेड है ये, एंड लॉन्ग लास्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक ही है, मेबलिन जितनी स्टे नहीं है इनकी, एंड दूसरी जो है वो इनसाइड की है, इनसाइड की लिपस्टिक है, नॉन ट्रांसफर है ये भी, और इसका शेड है 04 फेरोशियस पिंक, एंड ये एक्चुअल में फेरोशियस पिंक ही है, मुझे एक्चुअली मैं बात बताऊँ शुगर वाली से ज़्यादा ना ये वाली अच्छी लगी है, एंड ये प्राइस वाइज बहुत 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 अफोर्डेबल है, सुपर डुपर अफोर्डेबल है ये इनसाइड वाली जो है, इन सभी के प्राइस आप लोग खुद से देख लेना एक बारी, लिंक्स जो है मैंने मेंशन किए हैं। और दूसरा जो है ना वो टिंट है एक्चुअल में, दिस इज नॉट अ लिपस्टिक, ये लिप और चीक टिंट है, मतलब हल्का सा नेचुरल कलर ऐड करता है आपके लिप्स को और चीक्स को, बिल्कुल नेचुरल जैसा ग्लो होता है ना, कुछ इस तरह का होता है ये, जैसे आपके लिप्स का कलर होता है ना पिंकिश पिंकिश और चीक्स का, बिल्कुल उसी तरह का ये टिंट प्रोवाइड करता है, एंड ये मैं आज लगा के भी गई थी, सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, एंड इसकी स्टे बहुत अच्छी है ये, अगर आप लगाते हो ना ज़्यादा देर, कुछ खाते पीते भी रहो कहीं पे नहीं जाता, सो दीज आर द अदर 3 आइटम्स दैट आई गॉट फ्रॉम अमेजोन, एंड दैट टू ऑन सेल, आप भी जो है सेल का लुफ्त उठा सकते हो, समर सेल जो है अमेजोन के ऊपर चल रही है। As usual, ending this vlog at work right now. अभी work पे ही हूँ, but ये vlog यहीं पे end करना है। I hope आपको मेरा ये छोटा सा इधर उधर का vlog अच्छा लगा होगा, so please इसको like कर देना, like ज़रूर कर देना यार, मुझे पता चल जाता है कि आप लोग को पसंद आई है कोई चीज़, comment करके मुझे ज़रूर बताना
क्या अच्छा लगा एंड अभी कुछ चेंजेस करने वाली हूँ चैनल के ऊपर जो कि आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसकी प्रेपरेशन के लिए। सो क्या चेंजेस होंगी आई डेफिनेटली शेयर विद यू ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो @reetvlogs2019 एंड तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, डोंट फॉरगेट आवर फंडा, लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट। बाय गाइज़।